एक गांव में लालाराम चिकन बेचा करता था। उसकी छोटी सी दुकान थी। एक दिन कुछ गुंडे वहां पे आते हैं और लालाराम से, लालाराम 3 किलो चिकन तोल दे, पैसे खाते में लिख लेना। रंगा भाई, मैं अब उधार नहीं दूंगा, आपने अभी तक पिछले साल का हिसाब नहीं किया है। कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब, तेरे मुझ पे कोई पैसे नहीं है। रंगा भाई, आप बेईमानी कर रहे हो, आपको मुझे 20,000 रुपये देने हैं। मुझसे जुबान लड़ाता है, इस गांव में किसी भी दुकान वाले की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे पैसे मांग सके, इसकी दुकान को जला दो। रंगा के आदमी लालाराम की चिकन शॉप में बॉम्ब लगा देते हैं और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। वो बॉम्ब फटता है और दुकान नष्ट हो जाती है। लालाराम दुखी होकर वहां से अपने घर चला जाता है। लालाराम अपनी पत्नी से कहता है, अपनी सारी जमा पूंजी से मैंने एक दुकान खोली थी, उसे भी रंगा ने नष्ट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा। लालाराम की बातें वहीं पे एक मुर्गी सुन रही थी। वो मुर्गी के पास जादू होने लगता है और वो मुर्गी बहुत बड़ी हो जाती है। मुर्गी कहती है, लालाराम तुम मासूम मुर्गियों को क्यों मारते हो। मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मुझे चिकन बेचने के अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं तुम्हारे काम का इंतजाम कर दूंगी, अभी मैं उस लालाराम को सबक सिखाने के लिए जा रही हूँ। वो मुर्गी वहां से चली जाती है और गांव के बाहर जाकर अपना रूप बदल लेती है। वो एक इंसान बन जाती है और वहां पे एक जादुई चिकन शॉप प्रकट करती है। मुर्गी वहीं पे चिकन बेचने लगती है। कुछ देर बाद रंगा वहां पे आता है। लगता है तूने नई चिकन शॉप ओपन करी है, ऐसा कर मुझे 3 किलो चिकन दे दे, मेरे खाते में लिख लेना। हाँ भाई ले जाओ, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। रंगा एक चिकन को उठाता है। चिकन को छूते ही रंगा एक मुर्गी बन जाता है। मुर्गी वापस अपने रूप में आ जाती है। मुर्गी कहती है, तू दुष्ट मनुष्य है, ये तेरे कर्मों का फल है, अब इसे भुगत। वो मुर्गी वहां से चली जाती है। मुर्गी लालाराम के घर के बाहर एक मैजिकल चिकन ट्री प्रकट करती है जिसपे चिकन लगे हुए थे। मुर्गी कहती है, लालाराम अब तुम चिकन बेचोगे और तुम्हें मुर्गियों को भी नहीं मारना पड़ेगा, इस पे चिकन लगेंगे और तुम इन्हें बेचना, अब मैं अपनी जादुई मुर्गियों की दुनिया में वापस जा रही हूँ। वो मुर्गी वहां से गायब हो जाती है। ये कहानी शुरू होती है जयपुर नाम के एक गांव से। उस गांव में लोकेश नाम का एक लड़का रहता था। लोकेश पढ़ने में बहुत ही होशियार था। लोकेश हर रोज पढ़ने के लिए अपने स्कूल जाया करता था। उसका स्कूल नदी की दूसरी तरफ था और वो नदी को नाव से पार करता था। एक दिन लोकेश अपने स्कूल के लिए निकलता है। अभी वो नदी पार ही कर रहा था, रास्ते में जोर का तूफान आता है और बारिश शुरू हो जाती है। लोकेश की नाव इधर उधर हिचकोले खाने लगी थी। उसकी नाव में अब पानी भरने लगा था। उसकी नाव डूबने वाली थी। नाव आगे निकल जाती है। अब लोकेश एक टापू पे पहुंच चुका था और उसकी नाव बहती हुई दूर चली जाती है। लोकेश सोचता है, ये मैं कहां आ गया, मुझे आगे जाकर देखना होगा, शायद यहां कोई हो जो मेरी मदद करे। लोकेश वहां से आगे बढ़ जाता है लेकिन आगे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। जब वहां लोकेश को कोई नहीं मिलता तो लोकेश खड़ा होकर रोने लगता है। लोकेश बहुत दुखी था। तभी वही पेड़ के पास तेज प्रकाश होता है। वहां पे एक जादुई सेब आदमी प्रकट होता है। उसके दो पंख लगे हुए थे। वो आधा इंसान और आधा सेब था। वो सेब आदमी चलता हुआ लोकेश के पास आता है और लोकेश से कहता है, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो। लोकेश बोला, मैं अपनी नाव से स्कूल जा रहा था और तूफान की वजह से मेरी नाव यहाँ आ गई। अब मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे वापस घर जाना है। जादुई सेब आदमी बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचाऊंगा, तुम मेरे जादुई पंख ले जाओ,
ये तुम्हें उड़ते हुए तुम्हारे गांव तक पहुंचा देंगे। फिर जादुई सेब आदमी अपने पंख लोकेश को दे देता है। पंखों को पाकर लोकेश बहुत ज्यादा खुश था। जादुई सेब आदमी कहता है, तुम कभी भी यहाँ टहलने के लिए आ सकते हो, अब तुम जाओ। लोकेश वहां से अपने गांव की तरफ चला जाता है। अब लोकेश उन पंखों से सबकी मदद किया करता था। जब भी किसी को नदी पार करनी होती तो लोकेश उसे पकड़कर नदी पार करा दिया करता। एक दिन लोकेश सोचता है, बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाकर उस जादुई सेब आदमी से मिलना चाहिए, पता नहीं वो कैसा होगा। लोकेश वहां से उड़ता हुआ उस आइलैंड की तरफ चल देता है। लोकेश उस आइलैंड पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे वो जादुई पेड़ ही नहीं था। अरे ये पेड़ कहाँ गायब हो गया, अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। तभी लोकेश ने देखा कि एक बहुत बड़ा जंगली भेड़िया लोकेश की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। देखते देखते वो जंगली भेड़िया लोकेश के पास आ गया। वो जंगली भेड़िया लोकेश पे हमला करने वाला था, लेकिन ये क्या। तभी लोकेश के पंखों के पास कुछ जादू जैसा होने लगता है। लोकेश के पंख सुनहरे हो जाते हैं और उसमें से वही जादुई सेब आदमी बाहर निकलता है। सेब आदमी कहता है, मैं जिस पेड़ से निकल सकता था वो पेड़ उस जादुई भेड़िये ने अपनी शक्ति से गायब कर दिया, और मैं केवल तभी बाहर निकल सकता हूँ जब मेरे पास पेड़ या पंख हो। मेरे पंख किसी इंसान के पास जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही वो सुनहरे हो जाते हैं और फिर वो हमारा घर बन जाते हैं। फिर हम कहीं भी जाएं उन पंखों से बाहर आ सकते हैं। अब मैं इस जंगली भेड़ियों को सबक सिखाऊंगा, तुम रुको यहीं। जादुई सेब आदमी भेड़िये की तरफ पड़ता है। भेड़िया अपनी जादुई शक्तियों से अटैक करता है, लेकिन जादुई सेब आदमी बच जाता है। इस बार सेब आदमी अटैक करता है और उसकी शक्ति के लगते ही भेड़िया छोटा होने लगता है। अब भेड़िये के पास जादुई शक्तियां भी नहीं बची थी, भेड़िया वहां से भाग जाता है। लोकेश वो पंख वापस उसी जादुई सेब आदमी को दे देता है और उसे एक नाव मांगकर अपने गांव वापस चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। एक गांव हुआ करता था, सुमित अपने पिताजी के साथ रहता था। एक दिन सुमित के पिता, बेटा गाय भूखी है, जाओ इसके लिए कुछ घास काट लाओ। ठीक है पिताजी। सुमित वहां से जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में इन इंसानों ने चारों तरफ कचरा फैला रखा है। सबसे बड़ा कचरा तो ये इंसान ही हैं। मुझे ही इस कचरे को साफ करना होगा। तभी राक्षस को सुमित जंगल में जाता हुआ दिखाई देता है। राक्षस अपना रूप बदल लेता है और इंसान बन जाता है। इंसानी कचरे, अब तू देख मेरा कमाल। वो राक्षस अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है। सुमित जब उसे देखता है तो उसके पास जाता है। बाबा, आपके पास जादुई शक्तियां हैं, ये आपको कैसे मिली? क्या आप मुझे ये शक्तियां दे सकते हो? फिर मेरे दोस्त मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। बालक, एक बार मैंने एक जादुई गोली एक शेर को खिलाई थी, उसके बाद मुझे ये शक्तियाँ मिली। अगर तुम भी इन शक्तियों को पाना चाहते हो तो तुम्हें भी शेर को जादुई गोली खिलानी होगी। लेकिन बाबा, मुझे वो गोली कहाँ मिलेगी? अपना हाथ आगे करो बच्चा। वो राक्षस सुमित को दो जादुई गोलियां देता है। अच्छा बाबा, प्रणाम, अब मैं चलता हूँ। सुमित वहां से चला जाता है। मूर्ख मानव बालक, अब आएगा मजा जब तुम सभी इंसानी कचरों को मिलेगी सजा। भगवान के दिए हुए श्राप की वजह से मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ सुमित घने जंगल में पहुंच जाता है। सुमित को एक शेर दिखाई देता है। शेर सुमित की तरफ पड़ता है। अयो रामा, आज तो मैं गया। सुमित वहां से भागने लगता है। उसके हाथ से एक जादुई गोली छूटकर वहीं पे गिर जाती है। शेर उस गोली के पास आ जाता है और उसे खा जाता है। शेर के पास बिजली कड़कने लगती है।
और शेर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर शेर वहां से चला जाता है। सुमित अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम्हारे साथ जरूर छल किया गया है। तभी वहां पे एक आदमी भागता हुआ आता है। अरे चचा, गांव में बहुत बड़ा शेर आ गया है, भागो यहाँ से। वो सब वहां से भागने लगते हैं। तेरी गाय को खा रहा था। ये तो वही शेर है जो मेरे पीछे पड़ा था, लगता है इसने जादुई गोली खा ली। तब तक शेर एक आदमी को उठा लेता है और वहां से जंगल की ओर भाग जाता है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इस शेर से छुटकारा पा सकते हैं। जाओ एक लोग मुर्गी लेके आओ। एक आदमी मुर्गी लेने जाता है। सुमित मुर्गी को भी वही जादुई गोली खिला देता है। वो मुर्गी भी बहुत बड़ी हो जाती है। अब ये मुर्गी उस शेर से लड़ेगी, इसे जंगल में ले जाना होगा। तभी लोग मुर्गी को जंगल की ओर भगा देते हैं। मुर्गी जंगल में चली जाती है। मुर्गी को जब शेर देखता है तो वो मुर्गी पे अटैक करता है। मुर्गी भी शेर पे अटैक करती है। दोनों को खून निकलने लगता है। मुर्गी दोबारा अटैक करती है जिससे शेर वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।